देश में यातायात नियमों की अनदेखी के चलते हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और यही वजह है कि देश के परिवहन मंत्रालय ने इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों को जागरूक करने के मकसद से गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत वाहन चालकों को हेलमेट सीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरूक किया गया। टीपीटी ट्रैफिक गणेश प्रसाद के मुताबिक कार में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन मंत्रालय ने कई गाइडलाइंस जारी की है और उनका असर अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा की सीमा पर मौजूद हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाती हुई नजर आ रही है और हाथों में पंपलेट लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है कि किस तरह से वो यातायात को लेकर के जागरूक हों। चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट कितना अनिवार्य है ये बताने की कोशिश गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है, ताकि हादसों की रोकथाम की जा सके। और आप देखिए, जो बुजुर्ग यहां पर गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से वो सीट बेल्ट लगाएं, ताकि जो हादसे हो रहे हैं उनकी रोकथाम की जा सके। और आप देखिए कि किस तरह से जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं उनके वाहनों को रोका जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नोएडा पुलिस के हाथों में एक पंपलेट है, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सीट बेल्ट लगाना कितना अनिवार्य है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए भी बताया जा रहा। तो आप देखिए कि किस तरीके से चार पहिया वाहनों पर पीछे बैठी सवारी पर भी सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य है, इस तरीके के पंपलेट लेकर के यहां पर नोएडा पुलिस लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है और बता रही है कि सीट बेल्ट लगाने से आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मौतें सड़क हादसे में होती हैं, इसलिए इस आंकड़े को कम करने के लिए जो परिवहन मंत्रालय है उसने भी गाइडलाइन जारी की है और यही वजह है कि अब इसका असर प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस आज यातायात नियमों का पालन कैसे करें और यातायात नियमों का पालन करना आपके लिए कितना ज़रूरी है, इसी को लेकर के जागरूक अभियान चला रही है। लेकिन ये अभियान किस स्तर पर चलाया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा जी हैं। गणेश जी, किस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है और देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर आप भी मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सीट बेल्ट लगाना कितना ज़रूरी है, इसको लेकर हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र जी है जो हेलमेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने मसाल के माध्यम से आज एक अभियान की शुरुआत की है। कई लोग अभी थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि पीछे वाली सीट में क्या बेल्ट लगाना ज़रूरी है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि जो दुर्घटना होती है फोर व्हीलर की, उसमें जब सीट बेल्ट आगे वाले लोग लगा के रखते हैं तो उनकी तो रक्षा हो जाती है, लेकिन पीछे वाली सीट पीछे जो सवारी बैठे रहती है उनको गंभीर चोटें लगती है। और आपने कुछ दिन पहले ही देखा है कि एक बहुत बड़े जो उद्यमी थे उनकी इसी तरह के हादसे मृत्यु हो गई, इसी को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इस चरण में हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मीडिया का हमें समर्थन मिल रहा है, गौतम बुद्ध नगर से इसकी शुरुआत हुई है, हम सीट बेल्ट चाहे आप किसी भी जगह बैठ रहे हैं पीछे वाली सीट में भी सीट बेल्ट आज से लगाना स्टार्ट करवा रहे हैं हम लोग को। और हर एक स्तर पर अभियान चल रहा है, स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें जोड़ रहे हैं हम। दूसरी बात, एम एस के हमारे कमांड सेंटर है, वहाँ से पी ए सिस्टम है, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोग शुरुआती चरण में निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, लेकिन वो समर्थन दे रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं हमसे कि यहाँ निश्चित तौर पर पीछे भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। ये निश्चित तौर पर ये अभियान शुरुआती स्तर पर है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये छोटा सा ही कदम है, लेकिन कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि सभी लोग सीट बेल्ट लगाना पीछे वाली सीट में भी स्टार्ट कर दिए। तो आपने देखा, हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी गणेश प्रसाद साहा जी थे, जिन्होंने बताया कि उनका अभियान
लगातार जारी रहेगा और इस अभियान के तहत वो लोगों को जागरूक करते रहेंगे ताकि जो सड़क दुर्घटना है उसमें कमी आए। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।